हेलो फ्रेंड्स आज बात करने वाले हैं डिविस लेबोरेटरी से रिलेटेड तो डिविस लेबोरेटरी में अगर हम बात करें तो 5425 ओके okay, 5425 के आसपास से ये शेयर अगर हम बात करें पैंतीस सौ रुपए के आसपास चल रहा है लगभग दो हजार रुपये यहाँ पर नीचे चल रहा है ये शेयर और एक जो चार्ट यहाँ पर दिखाई दे रहा है चार्ट में एक बेहतरीन चीज मुझे नजर आती है जहां से मुझे नजर आता है कि अगर कोई थोड़े से लॉन्ग टर्म या स्विंग ट्रेड के पर्पज से अगर शेयर को खरीदता है तो दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर देम टू एक्वायर टू एक्मुलेट टू ग्रैप दिस अपॉर्चुनिटी तो तो पर हम बात कर रहे हैं की तो सबसे पहले बिजनेस मॉडल समझ लेते हैं डिविस लैब की बात करें तो देखिए यहाँ पर ये यह लार्ज कैप कंपनी है नाइन्टी फोर थाउजेंड एट फिफ्टी टू करोड़ रुपीज का मार्केट कैप है यहाँ पर ये यह कंपनी करती क्या है यहां पर ये यह कंपनी बनाती है एपीआई इंडस्ट्रीज में है और जैसे ही बात हो रही है यहाँ पर आ, अलग अलग तरीके के चाइना प्लस वन पॉलिसी की यहाँ पर बात हो रही है एपीआई इंडस्ट्रीज की कि एपीआई इंडस्ट्री काफी यहां पर करती हुई नजर नजर आएगी तो ये एक कंपनी बेहतरीन प्लेयर नजर आती है लार्ज कैप कंपनी है एज वेल एज यहाँ पर चीज देखेंगे तो डेट फ्री कंपनी है लार्ज कैप प्लस डेट फ्री तो ये सारा का सारा इसे पॉजिटिव फैक्टर्स में यहाँ पर इंक्लूड होता हुआ नजर आ रहा है और किस में जैसे लाभ मतलब फार्मा की कंपनी है तो इसलिए जैसे कि मैं यहाँ पर चार्ट में बार बार बता रहा हूँ कल भी बताया था काफी सारे विडियोज यहाँ पर बनाई थी तब भी बताया था कि फार्मा यहाँ पर शेयर अब चलता हुआ नजर आएगा तो फार्मा जब यहाँ पर पूरा सेक्टर चलता हुआ नजर आएगा तो डिविस लैब यहाँ पर अच्छे खासी जब यहाँ पर नीचे के भाव पे मिल रहा है जहां पर डाउन साइड दिखाई नहीं देती है अपसाइड पूरी दिखाई देती है तो यहाँ पर ये शेयर एक अच्छा खासा बेट रह सकता है कंपनी के बिजनेस ऑपरेशंस की बात करें या बिजनेस सेगमेंट की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आर्ट मैनुफेक्चरिंग इन हाउस एनालिटिकल फैसिलिटीज भी है इन फिफ्टीन थाउजेंड uh, प्लस यहाँ पर इनके एम्प्लॉयज है एम्पावर्ड uh, पीपल है यहां पर आप देख सकते हैं एज वेल एज बात करें यहाँ पर वर्ल्ड लार्जेस्ट एपीआई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी मतलब भारत की नहीं पूरे दुनिया की यहाँ पर सबसे बड़ी यहाँ पर एपीआई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है और जिस तरीके से इस पर्टिकुलर स्टॉक्स ने ग्रोथ दिखाई है वो एक काबिलिय तारीफ है यहाँ पर देखेंगे तो कभी ये शेयर उनचास रुपए का हुआ करता है दो में ओके okay, जब जब, जब गिरावट हुई है तब तब, तब इसमें भी गिरावट हुई है और जब जब किसी ने उसकी गिरावट को यहाँ पर ग्रैप किया है तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी क्वांटिटी में लिया यहाँ पर देखिए फिर गिरावट हुई थी फिर उसके बाद ये शेयर एक लाइन में यहाँ पर चला और फार्मा के शेयर मोस्टली यहाँ पर 2020 में जब गिरते हुए नजर आए थे ये शेयर केवल थोड़ा सा गिरा था क्यों क्योंकि एक बेहतरीन कंपनी थी और उसके बाद देखिए उसने पैसों को आपको किस तरीके से बना के चलाए तो इसलिए इस इंडस्ट्री पे इस शेयर पे आप यहाँ पर भरोसा करके पैसा लगाते हुए दिखाई दे सकते हैं डिविस लेबोरेटरीज की अगर मैं बात करूं तो डिविस लेबोरेटरीज में यहां पर आप देखिए लगभग पंद्रह हज़ार प्लस इनके एम्प्लॉयज़ है नाइन्टी फाइव यहाँ पर कंपनीज में एक्सपोर्ट हो करती हुई दिखाई देती है कंपनीज के और भी की पॉइंट्स की बात करें तो आ, यहाँ पर देखिए ए एंड इंटरमीडिएट्स फॉर ग्लोबल कंपनीज के लिए कंपनी काम करती हुई दिखाई देती है तो एक बेहतरीन कंपनी है बिजनेस सेगमेंट में यहाँ पर जाके एक बार देख सकते हैं कि जेनरिक एपीआई न्यूट्राटिकल्स ये बनाती हुई दिखाई देती है कस्टम सिंथेटिक्स ये बनाती हुई दिखाई देती है तो जो यहाँ पर फार्मा की बैकग्राउंड से है वो यहाँ पर आपको अच्छी तरीके से एक बार इस पूरी इंडस्ट्री को समझा सकता है बट चीजें समझ में आती है ओके okay, इतना अब जब हम स्टॉक मार्केट में है तो हमें समझ में आता है कि ए पी एपीआई के बिजनेस में एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स इंग्रीडियंट से बनाती है और क्या होता है एपीआई तो थोड़ा सा मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ जैसे कि आपके सर में दर्द हो रहा है ओके सर के में दर्द के लिए जो मेन यहाँ पर इंग्रेडिएंट्स होता है ओके उसे ही एपीआई कहते हैं एक तरीके से तो जो कि सर के दर्द को बिल्कुल खत्म कर देता है तो अलग अलग बीमारियों के लिए अलग अलग डिजीज के लिए एपीआई बनाती है और न्यूरो न्यूट्रोसिटिकल के लिए बनाती है तो अच्छी खासे यहाँ पर कंपनी नजर आती है कंपनी की बात करें तो यहाँ पर देखिए पैतीस का आर 28% का आर तो 35 और 28 परसेंट की आर ओसी आर ओई के साथ कंपनी काम कर रही है तो ऐसी कंपनीज अच्छा खासा प्रॉफिट देके जाती है जब भागती है डेट की बात करें डेट फ्री कंपनी है ओके कोई प्लेजिंग नहीं है इंडस्ट्री का पी तेईस का है इसका तीस का क्यों क्योंकि अच्छी कंपनी हमेशा अच्छे मल्टीप्लाई पे ही चलती है अच्छे मल्टीपल पे चलती है इसलिए पी जी थोड़ा महंगा है तो ऑब्वियसली बात है अच्छी कंपनी है प्रॉफिट की बात करें पिछले पांच साल में बाईस सेल्स की बात करें पिछले पांच साल में सत्रह के हिसाब से बढ़ी है इंटरनसिक वैल्यू सत्ताईस के आसपास है और पैंतीस पे शेयर चल रहा है यहाँ पर आपने देखा होगा अभी हमने बता आ, कुछ टाइम तो अच्छा खासा भागता हुआ नजर आ रहा है तो चीजें यहाँ पर समझने वाली है और हमें चार्ट दिखाई दे रहा है एक चार्ट और इस चार्ट पर क्या बता रहा है कि जब भी गिरी है और किसी ने शेयर लिया है और वेट किया है दो साल तीन साल चार साल तो उसे उसका फल मिलता हुआ नजर आया है तो अगर आप पांच साल वेट करते हैं इस कंपनी में और जब इतनी गिरावट हो चुकी है यहाँ पर देखिए ये भी शेयर बारह सौ रुपए से लगभग फिफ्टी परसेंट गिराता है यहाँ पर भी देखिए तो लगभग फोर्टी परसेंट के ज्यादा की गिरावट है और जब यहाँ पर शेयर खरीदेंगे ओके और जब भागेगा तो यहाँ पर शेयर में अच्छे खासे पैसे बनेंगे और पिछले पांच साल में 22 परसेंट के सीएजीआर से पैसा बना है तो ये सब चीज देखने वाली बात है

क्या यहाँ पर ये चेंज होता हुआ नजर आएगा अभी थर्टी सिक्स चल रहा है महंगाई थोड़ी सी कम हो गई एक आध दो क्वार्टर शायद तीन क्वार्टर एक साल ओके जैसे कम हो जाएगा शेयर तो हम शेयर भागता हुआ नजर आएगा तो हम यहाँ पर बात नहीं कर रहे कि एक महीने में क्या होगा दो महीने में क्या होगा मैं बात कर रहा हूँ कि पांच साल में अगर आपने शेयर को रख लिया तो आपको क्या रिटर्न मिलेंगे वो यहाँ पर सोचिए तो यहाँ पर डिविस लैब की अगर मैं यहाँ पर डाल देता हूँ और आपको दिखाता हूँ डिविस लैब एक मिनट हाँ यहाँ पर तो 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 के शेयर पर देखिए मैक्सिमम चार्ट पैटर्न पे जाऊंगा आपको सात सौ रिटर्न मिले हैं तो ऐसे शेयर को यहाँ पर एकोमलेट किया जा सकता है अगर आप फंसे हैं किसी बेकार से शेयर में तो यहाँ पर बेच के क्योंकि वो भी गिरा हुआ है ये भी गिरा हुआ है बेच के अच्छी कंपनी में शिफ्ट होके अच्छा पैसा कमा सकते हैं और चार्ट पर चार्ट भी कुछ कह रहा है कि हाँ भागूंगा मैं सेल और कंपनी में ग्रोथ ही ग्रोथ दिखाई देती है रिजर्व की बात करें ग्यारह हजार बारह हजार करोड़ के आसपास के रिजर्व है और यहाँ पर आप देखेंगे तो शेयर यहाँ पर अः कभी भी बोनस भी अनाउंस कर सकता है क्यों क्योंकि जब कंपनी के पास अच्छे रिजर्व्स होते हैं वही कंपनी यहाँ पर बोनस uh, अनाउंस करती है तो यहाँ पर और भी चीज देखिए तो कंपनी ने देखिए दो बार बोनस 2009 में दिया था 2015 में दिया था मतलब छह साल का गैप था अब यहाँ पर देखा जाए तो सात आठ साल का गैप हो चुका है सात साल का गैप हो चुका है तो दोबारा पर बोनस कभी भी अनाउंस हो सकता है स्प्लिट की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं कंपनी यहाँ पर एक बार स्प्लिट भी हो चुकी है तो वो भी कब दो में तो आगने वाले टाइम में यहाँ पर एक बार स्प्लिट दोबारा मिल सकता है डिविडेंड तो यहाँ पर डिविडेंड देखिए कंपनी लगातार अभी ग्यारह तारीख को ही कितने रुपए का तीस रुपए का यहाँ पर डिविडेंड देती हुई नजर आई और लग डिविडेंड जिस कंपनी का बढ़ता है ना वही कंपनी अच्छी होती है इस चीज सत्तर करोड़, करोड़ रुपए जब यहाँ पर ऐड होंगे तो और भी यहाँ पर अच्छा मजा आएगा कैश की बात करें अट्ठाईसो करोड़ के आसपास का कैश है प्रमोटर्स के पास यहाँ पर देखेंगे तो फिफ्टी वन परसेंट की होल्डिंग है हिस्सेदारी कम करी यहाँ पर परसेंट से 16% परसेंट हो गई चार परसेंट के आसपास की हिस्सेदारी कम करी है तो सोलह परसेंट तो से उन्नीस परसेंट की हिस्सेदारी डी आई एस ने भी करी है, और पब्लिक की बात 11 की बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं कोई इशू वाली बात नहीं है जब यहाँ पर शेयर भागेंगे दोबारा यहाँ पर शेयर अच्छा यहाँ पर, पर प्रदर्शन करता हुआ नजर आएगा देखिए एक राउंडिंग टॉप बना के चीजें नीचे आई नीचे यहाँ पर एक ठहरती हुई नजर आई अब क्या अब यहाँ पर नजर आता है ये ट्रेंड लाइन नजर आती है ट्रेंड लाइन पर थोड़ी सी दूर नजर आती है बट यहाँ पर एक चार्ट पैटर्न बन रहा है यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये यह जो चार्ट पैटर्न बन रहा है इसमें क्या दिखाई दे रहा है इसमें दिखाई दे रहा है हैमर ओके और जब भी इस तरीके का हैमर बनता है ना तो क्या होता है तो तो सिंपल सी बात एक चीज होती हुई नजर आती है वो भी सपोर्ट पे तो यहाँ पर देखिए एक सपोर्ट भी नजर आता है यहाँ पर आप देखेंगे ओके okay, तो यहाँ पर देखिए सपोर्ट भी नजर आता है यहाँ पर से एक हैमर बना और जब भी हैमर बनता है तो यहाँ पर तेजी होती हुई नजर आती है और आज भी देखिए एक परसेंट शेयर ऊपर है और ये जो रेजिस्टेंस है ना जैसे इसे क्रॉस करेगा सबसे पहले तो यहाँ पर सीधे टारगेट बनते हुए नजर आ रहे हैं दस ग्यारह परसेंट के ओके और जैसे ही यहाँ पर इस वाले लेवल को भी यहाँ पर क्रॉस करेगा ना ये जो दूसरा रजिस्टेंस है एक बार दिखा देता हूँ जैसे इस रजिस्टेंस को भी इसने निकाला तो याद रखिए एक तेजी होती हुई नजर आएगी जो इसे सीधे कहाँ पर लेके जाएगी सीधे लेके जाएगी इसके यहाँ पर ये जो दिखाई दे रहा है सबिस्टेंस फिर दूसरा पैंतालीस सौ के आसपास है और ये शेयर यहां पर ज्यादा टाइम तक टिकते नहीं है मतलब नीचे नीचे नहीं टिकते ऊपर ही जाते हैं और ऊपर ही अच्छे खासे यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं मुझे फार्मा इंडस्ट्री पे विश्वास है ओके फार्मा इंडस्ट्री अच्छा खासा काम करती हुई दिखाई दे रही है फार्मा इंडस्ट्री यहाँ पर अच्छा खासा परफॉर्म करेगी एज वेल एज यहाँ पर एक चैनल भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पर आप देख सकते हैं ये चैनल ऊपर की तरफ जाता है मतलब असेंडिंग चैनल दिखाई दे रहा है और यहाँ पर ब्रेक डाउन था वो जो ऊपर यहाँ पर जैसे इस पर्टिकुलर आ, यहाँ पर आ जाएगा इस पर्टिकुलर ब्लॉक में आ जाएगा एज वेल एज यहाँ से और ब्रेक डाउन देगा तो अच्छी खासी यहाँ पर तेजी होती हुई नजर आएगी तो इस शेयर की तरफ आप क्या कर सकते हैं इस शेयर की तरफ आप ध्यान दे सकते हैं और यहाँ पर जो ये ट्रेंड लाइन दिखा रही है ना बता रही है कि यहाँ से नीचे निगरना ओके यहाँ पर बस इसका ये बॉटम आउट हो चुका है ओके अब केवल अपसाइड दिखाई देती है ऊपर का लेवल दिखाई देता है नीचे के लेवल दिखाई नहीं देता है ग्यारह परसेंट का पहला टारगेट ओके okay, तीस परसेंट का दूसरा टारगेट और फिर इक्यावन परसेंट का तीसरा टारगेट और तो चीजें रुकने नी वाली चार पांच साल दे दीजिएगा तो ये पांच हजार शेयर पांच हजार शेयर वाला दोबारा यहाँ पर पांच हजार पे ही रहेगा बट आपको बोनस और स्प्लिट भी मिल चुका होगा सो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा कमेंट करिएगा शेयर करिएगा थैंक यू सो मच